फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अर्ली प्रेगनेंसी हो चाहे प्रेगनेंसी ना हो, ब्राउन डिस्चार्ज काफी महिलाओं को रहता है और ये ब्राउन डिस्चार्ज आपकी प्रेगनेंसी का सिम्टम भी माना जा सकता है और पीरियड्स आने का सिम्टम भी माना जा सकता है। तो इसे हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम है या पीरियड्स आने का सिम्टम है, क्योंकि काफी महिलाओं में देखा गया है कि पीरियड आने से पहले या पीरियड खत्म होने के बाद उन्हें हल्का फुल्का ब्राउन डिस्चार्ज जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी ब्राउन डिस्चार्ज को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्रेगनेंसी ब्राउन डिस्चार्ज और पीरियड ब्राउन डिस्चार्ज, और किन महिलाओं को ब्राउन डिस्चार्ज की समस्या ज्यादा रहती है, कब ये समस्या का रूप बन सकती है, कब आपको डॉक्टर के पास जाना और कब इसे आप प्रेगनेंसी सिम्टम समझकर प्रेगनेंसी टेस्ट कर पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को हिट करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ब्राउन डिस्चार्ज एक कॉमन सा सिम्टम माना जाता है अर्ली प्रेगनेंसी का। काफी महिलाओं को जिनका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है उस दौरान उन्हें हल्की फुल्की ब्राउन डिस्चार्ज, यानी कि जो सफेद आपका डिस्चार्ज होता है उसमें खून के थोड़े बहुत कण मिलकर वो जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है वो ब्राउन डिस्चार्ज में आपके प्राइवेट एरिया से निकलता है, जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी कहा जाता है। लेकिन ये अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम माना जाता है, लेकिन काफी महिलाओं को पीरियड आने से पहले भी ब्राउन डिस्चार्ज रहता है, जो कि 50-60% महिलाओं में देखा गया है। और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है, यानी कि पीरियड्स उनके रहे हैं 3-4 दिन, उसके मतलब 1-2 दिन तक भी उन्हें ब्राउन डिस्चार्ज जाता है, तो वो भी नॉर्मल माना जाता है। फिर महिलाओं को पीसीओडी, थायराइड, इरेगुलर पीरियड की समस्या रहती है, जिन्हें ब्राउन डिस्चार्ज की समस्या ज्यादा रहती है। इसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है प्रेगनेंसी डिस्चार्ज और नॉन प्रेगनेंसी डिस्चार्ज में। जो प्रेगनेंसी ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होता है वो आपके पीरियड आने से 10-12 अप्रोक्सी 8 दिन पहले आपको हो सकता है, और इरेगुलर पीरियड वालों को या थायराइड वालों को या पीसीओडी वालों को ब्राउन डिस्चार्ज की समस्या रहती है, तो उन्हें मतलब ये कंफर्म हो पाना कि ये प्रेगनेंसी ब्राउन डिस्चार्ज है या पीरियड आने का ब्राउन डिस्चार्ज है। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रही हैं, तो उन्हें भी ब्राउन डिस्चार्ज की समस्या रहती है। तो ऐसे में अगर आप किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट ले रहे हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आपको पीसीओडी, थायराइड है या इरेगुलर आपको पीरियड रहते हैं, आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, तो डॉक्टर के पास आप जरूर जाएं। क्या पता ये आपका प्रेगनेंसी सिम्टम हो, उसके बाद अपने लाइफस्टाइल में, अपने रहने के, अपने जीवन शैली में आपको परिवर्तन लाना बहुत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ऐसे में छोटी सी गलती भी आपके इम्प्लांटेशन को फेल कर सकती है। तो ऐसे में अगर आपको पीसीओडी, थायराइड या इरेगुलर पीरियड या इनफर्टिलिटी का आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ब्राउन डिस्चार्ज को आप कॉमन ना समझे, ये प्रेगनेंसी का लक्षण हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट कर आपको पीरियड मिस होने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करना है। ब्राउन डिस्चार्ज आपको हो रहा है, आपको दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन कई बार ब्राउन डिस्चार्ज आपकी प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण माना जाता है, लेकिन फिर भी ये बहुत डेंजरस साइन होता है। ऐसे में कहा जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें आपका भ्रूण जो बच्चा है वो यूट्रस में इम्प्लांट ना होते हुए फैलोपियन ट्यूब में ही ग्रो करने लगता है, वहीं पर चिपक जाता है, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। ऐसे में आपको ब्राउन डिस्चार्ज की समस्या रहती है, जो हम अर्ली प्रेगनेंसी साइन मान बैठते हैं, और ऐसे में जब फैलोपियन ट्यूब में आपका बच्चा बढ़ने लगता है आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है, लेकिन ये बहुत डेंजरस प्रेगनेंसी होती है। ऐसे में आप इसे कैसे पहचान सकते हैं, अगर आपके पेट में चुभन जैसा दर्द हो रहा है, हेडेक, फीवर आपको रह रहा है, ब्राउन डिस्चार्ज आपको 1-2 दिन तक रहा उसके बाद बंद हो गया, तो ये एक समस्या का रूप बन सकता है। अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम होता है, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और प्रेगनेंसी को सेव करें। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मन में कोई डाउट हो या किसी और टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों की क्वेरीज को सॉल्व करने में। अब मिलते हैं कल सेम टाइम में एक और नई वीडियो में। नमस्कार।